हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज प्लेटफॉर्म्स एलएमएस ट्यूटोरियल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक कैंपस एडमिन मल्टीपल यूजर्स किस तरह इंपोर्ट कर सकता है यूजिंग एन एक्सेल फाइल इनटू द एलएमएस। अब दोज यूजर्स कैन बी लर्नर्स और टीचर्स, दोनों हो सकते हैं, दोनों रोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम चले जाएंगे यूजर्स के सेक्शन में। यूजर्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऐड यूजर की ऑप्शन है। ऐड यूजर का बटन जो है वो एक यूजर आपको एक वक्त में ऐड करने देगा। मल्टीपल यूजर्स ऐड करने के लिए हम डाउनलोड करेंगे एक एक्सेल शीट का सैंपल और उस शीट में हम ऐड कर देंगे जितने यूजर्स हमने इंपोर्ट करने, उनकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे और उसे बाद में हम अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम डाउनलोड इम्पोर्ट का बटन दबा के डाउनलोड सैंपल में जाएंगे। डाउनलोड सैंपल जो है वो आ रहा है, इधर हमें दिखा रहा है कि इट्स डाउनलोडिंग। डाउनलोडेड सैंपल आपको एक एक्सेल शीट में इस तरह का नजर आएगा। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, फुल नेम, उसके बाद उनके रोल्स कि लर्नर है या टीचर है, लर्नर की क्लास और टीचर की क्लास कौन कौन सी है, ये मेंशन आप कर देंगे इधर। तो लेट्स ऐड अ यूजर, लेट्स ऐड AWAIS.123। ये हो गया यूजर नेम। पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देता हूँ। पासवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप यूजर्स को बाद में बता सकें। सो बेसिकली आप स्पीड सेव कर लें तो काम चल जाएगा आपका। ईमेल एड्रेस, आपको वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा अपने हर यूजर के लिए, वो हमने डाल दिया। फुल नेम हम लिख देते हैं अवैस शफीक, और उसके बाद रोल्स क्या हैं, रोल्स में मैं इसे डालूंगा लर्नर, क्योंकि ये सिर्फ एज अ लर्नर ये रोल जाएगा तो मैं लर्नर लिख दूंगा। अगर लर्नर और टीचर दोनों का रोल आपने देना है तो लर्नर कॉमा टीचर लिख देंगे तो दो रोल असाइन हो जाएंगे। अब लर्नर क्लासेस कौन कौन सी हैं ये मैं इसे इंग्लिश असाइन कर देता हूँ, और अगर मैंने इसे मैथ्स भी असाइन करनी है तो मैं मुझे क्लास का कोड पता होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश की कोड के बाद कॉमा डाल के मैथ का कोड भी ऐड कर देंगे। मैथ का कोड मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। आई नो मैथ क्लास का ये कोड है, सो ये हमने कॉपी कर लिया। So your new user AWAIS.123 AWAIS Shafiq, उसके पास रोल है लर्नर का और उसके पास क्लासेस हैं इंग्लिश एंड मैथ। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये फील्ड्स आपने फिल करनी है, सिस्टम आईडी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। एक और यूजर बनाते हैं, लेट्स क्रिएट Saad.123। ये आपके जो यूजर नेम्स हैं यूनिक होने चाहिए। सो इट में रैंडम पासवर्ड लग देता हूँ और यूजर नेम जो है, ईमेल जो है वो होगी एक वैलिड ईमेल। उसके बाद फुल नेम लिख देंगे साद इकबाल और लर्नर और सेम क्लास। सो सेम क्लास हमने कॉपी कर दी, 1A इंग्लिश और 1A मैथ्स, क्योंकि ये टीचर नहीं है तो टीचर क्लासेस से असाइन नहीं होगी। एक और यूजर बनाते हैं जो कि होगा हमारा टीचर। सो यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ईमेल एड्रेस भी दे दिया। उसके बाद आप जाओगे नेम पे, ये हो गया फुल नेम। इसके बाद आप कहोगे कि ये टीचर है, सो ये टीचर का रोल हमने असाइन कर दिया ने, और इनकी टीचर क्लास में सिर्फ जाएगा क्योंकि ये सिर्फ टीचर हैं, तो सिर्फ टीचर की क्लास आएगी इधर। और लेट्स से ये इंग्लिश 1A की टीचर हैं, तो इंग्लिश 1A का कोड हम इधर पेश कर देंगे। आप जितने मर्जी चाहें यूजर्स बना सकते हैं। तो हमने बना लिए हैं 3 यूजर्स, सैम्पल यूजर पहले से था, वो अपडेट हो जाएगा। तो करेंगे इस शीट को हम सेव। सेव करने के बाद आप जाएंगे वापस अपने LMS स्क्रीन पर। LMS स्क्रीन पे जाके आपने अगेन इंपोर्ट का बटन ही दबाना है, लेकिन इंपोर्ट का बटन दबाने के बाद आप फाइल चूज करेंगे। चूज फाइल में मैं जाता हूँ और जो मेरी सेव फाइल थी मैं वही ओपन करूँगा। तो मुझे पता है, लोकेट कर लो सेव फाइल को। सेव फाइल ये थी, आई ओपन इट, और ये बता रहा है कि जी ये नाम है आपकी फाइल का, अपलोड, और इधर अपलोड स्टेटस आ जाएगा। अभी हमें दिखा रहा है एरर। एरर आपके जो भी होंगे वो आपको सामने नजर आ जाया करेंगे। सो कह रहे हैं नो रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड एंड देयर इज नो पासवर्ड एट रो नंबर 2।
तो रो नंबर 2 हम देख लेते हैं उसमें पासवर्ड कैसे नहीं है। इधर देखें रो नंबर 2 ये है, इधर मैंने पासवर्ड नहीं एंटर किया। सी अगर आपका कोई भी इशू होगा ये आपको बता देगा सिस्टम हमारा, और किस रो पे है वो भी आपको बता दे किस रो पे किस कॉलम में इशू है। इशू मैंने रिजॉल्व कर ली और मैंने सेव कर ली फाइल। अब मैं फिर से जाता हूँ और फिर से इम्पोर्ट करता हूँ फाइल। लेट मी इम्पोर्ट दिस फाइल अगेन। अपडेटेड फाइल को हम इम्पोर्ट करेंगे इस दफा। सो आई गो टू माई फाइल एंड अपलोड इट। ये आ गया, इसे मैं अपलोड का बटन दबाऊंगा। ये देखें यूजर्स इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं जो ये भी यूजर मैंने डाले थे वो आ गए हैं। सैंपल यूजर अवैश शफीक, साद इकबाल, जलील साद, ये सारे यूजर्स आ गए हैं और इन्हें आप जाके आप इधर से एडिट भी कर सकते हैं सर्टेन क्लासेस को और सर्टेन रोल्स को आप एडिट इधर से भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। दिस इज हाउ यू एड मल्टीपल यूजर्स इन टू योर सिस्टम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जान दीजिए। थैंक यू।